सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा हम पहले क्या कर चुके हैं, आ की मात्रा कर चुके हैं, इक की मात्रा कर चुके हैं, ई की मात्रा कर चुके हैं, है ना। आ की मात्रा कौन सी होती है, लाइक वन स्टैंडिंग लाइक, और इक की मात्रा कैसी होती है, हमने व्यंजन के आगे से मात्रा लगाई थी। और ई की मात्रा कौन सी होती है, व्यंजन के पीछे से मात्रा लगाई थी। हम ये तीनों मात्राएं कर चुके हैं। आज हम किसकी पहचान करेंगे, ऊ की मात्रा की पहचान करेंगे। आपकी हिंदी की कार्य पुस्तिका में व्यंजन लिखे हैं क से ह तक, और उनके नीचे डॉट लगाई गई। आपको क्या करना है, बस ऊ की मात्रा लगानी है। ओके, ऊ की मात्रा की कैसी होती है, ऊ की मात्रा लाइक दिस, ये छोटा ऊ है ना, ये ऊ की मात्रा है। आपको बस ऊ की मात्रा लगानी है और साउंड निकालनी है कि हम कैसे पढ़ेंगे मात्रा लगाने के बाद। अब देखिए, आ की मात्रा में हमने माउथ ओपन किया था ज्यादा, का खा, फिर हमने शब्द बनाए थे छोटे बड़े, फिर हमने की इक की मात्रा। इक की मात्रा में मैंने क्या कहा था, आपकी गर्दन हिलेगी, शॉर्ट साउंड, छोटी साउंड आएगी, कि कि गि, और बड़ी की मात्रा में लॉन्ग साउंड, की खी, फिर हमने शब्द लिखे थे नानी रानी पानी, लॉन्ग साउंड ली थी हमने। और आज हम करेंगे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा शॉर्ट साउंड, कु कु, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की कार्य पुस्तिका में व्यंजन लिखे हैं क से ह, जो आप नर्सरी कक्षा में भी कर चुके हैं, और उनके नीचे ये डॉट लगी हुई है, आपको उस डॉट पर मात्रा लगानी है। ओके, अब हम मात्रा लगानी सीखेंगे, आपको मात्रा कैसे लगानी, ऐसे जैसे हमने क के नीचे मात्रा लगाई तो इसकी साउंड क्या निकलेगी, कु कु, ठीक है, कु। कुछ बच्चे मात्रा अच्छी नहीं लगाती हैं, वो रब करके बार बार मात्राएं दोबारा लगाएंगे। आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है, फिर ऐसे इसको कर घुमाना है, कु गु गु छु जु जु, और मात्रा लगाने के बाद आपको साउंड निकालनी है, आपको रीड भी करना है, टू ठू डू डू। कुछ बच्चे ड और ढ में बिंदु लगा देते हैं, वो नहीं लगेगी। ओके, तू थू, और थ पर शिरोरेखा पूरी नहीं लगानी, दु धु पु फु बु भु मु यु। अब बेटा र आ गया, र पर जब हम मात्रा लगाएंगे आपको र के नीचे डॉट नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, यहां मिलेगी, क्योंकि र के नीचे मात्रा नहीं लगती, कहाँ लगती है, यहां लगती है। आपको ऐसे मात्रा लगानी, ऐसे रु लु वु शु शु सु। आपको ऐसी मात्राएं लगानी है, फिर मात्रा लगाने के बाद आपको फिर से इनको रीड करना है, कु खु गु घु चु छु जु जु टु ठु डु डु तु थु दु
बता रही हूँ र पर आपको नीचे मात्रा नहीं लगानी है, आपको यहां लगानी है ऐसे। लु वु शु शु सु हु, ये आपकी कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा। आपको ऐसे मात्रा अच्छे से लगानी है। अगर आप एक बार मात्रा अच्छे से नहीं लगाएंगे रब करके दोबारा लगाएंगे, लेकिन आपको मात्राएं सुंदर लगानी है, फिर इनको रीड करना है। ओके, आशा करती हूँ आपको ऊ की मात्रा समझ आई होगी। आपका आज का अभ्यास कार्य है ऊ की मात्रा। ओके, क से ह तक आपको मात्रा लगानी है और फिर उनकी रीडिंग करनी है। ओके, धन्यवाद।